सभी को नव संवत्सर हमारा नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और नव दुर्गों की भी शुभकामना देना चाहूँगा। नव दिवसीय इस हमारे त्यौहार में 8 दिवसीय व्रत रहते हैं और वैज्ञानिक आधार पे मेडिकली लिहाज से उसमें दोनों ही बातें हैं। फास्टिंग जो पहले बनाई गई थी वो एक डिटॉक्सिफिकेशन के उद्देश्य से बनाई गई थी कि हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स क्लीन हो जाएं और हमारा सिस्टम एक तरीके से रीसेट हो जाए। तो उसमें मेन था कि अनाज नहीं लिया जाता था फास्टिंग के दौरान, जिससे बॉडी में ग्लूटेन वगैरह डेवलप ना हो और एक तरीके से सिस्टम को ग्लूटेन रेस्ट मिले। तो बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो एक बार पॉज के बाद रीस्टार्ट होते हैं, रीकैलिब्रेट हो जाते हैं बहुत सारे सिस्टम। पर इसमें ध्यान रखने योग्य ये चीज़ें हैं कि फलाहार ही उत्तम है व्रत में। अगर हम बहुत इस तरीके के जो अब दूसरे अल्टरनेटिव आ गए हैं, अलग तरीके के आटे जो कि काफ़ी ऑयल पी लेते हैं, तो उससे बल्कि नुकसानदेह ज़्यादा हो जाते हैं व्रत हमारे लिए, क्योंकि बहुत ऑयली फूड, फ्राइड फूड लोग खाने लग गए हैं। तो जहाँ नॉर्मल खाना तो बंद है बल्कि फ्राइड फूड और ज़्यादा चल रहा है। दूसरा, बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग में फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहिए, क्योंकि अगर हम फ्लूइड्स भी कम लेंगे तो फिर कभी कभी संभावना रहती है कि गॉल ब्लैडर में भरे हुए पित्त की विस्कोसिटी बढ़ने से पथरी होने की संभावना फ्यूचर में हो जाती है। तो व्रत रखें, श्रद्धा से रखें और जो हमारे पौराणिक तरीके हैं उस आधार पर रखें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर थे, तो हम स्वस्थ रहेंगे।